हेलो एवरीवन, मी डॉक्टर गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। तो आज हो गया है सुबह और आज हम आ गए हैं आइल के लिए लंच बनाना। तो आइल को आज खाने का मन है पास्ता, तो हमने पास्ता को बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है और सुबह का टाइम है, अभी हमने जगह है फ्रेश हुआ जा रहे हैं आइल के लिए। टमाटो और ये बस छोटी सी, बच्चों के ज़्यादा तीखा पसंद नहीं होता है, इसलिए हम बस यही दो चीज़ों से आइल के लिए पास्ता बनाएंगे और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम मैगी मसाला और पास्ता मसाला। तो इधर देखिए, आपको इधर हम चढ़ा दिए हैं बड़े पैन में। अभी सभी लोग जो है सो रहे हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि आयल को ज़्यादा नहीं पसंद है स्पाइस। आधा इसमें हम प्याज डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे। पेस्ट है हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा है बिल्कुल। फाइन ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा है इसलिए जैसे। इसमें थोड़ी सी दो तीन जीरा डालेंगे चटनी डालने के लिए, क्योंकि आयल को पसंद नहीं है। प्लेन पास्ता बनाए क्योंकि आलू को जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़्यादा मसाला और थोड़ा सा हम इसमें पास्ता मसाला डाल दें। आप देख सकते हैं सिंपल
बच्चे के लिए पास्ता रेडी है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं होता है स्पाइसी। तो चलिए आयल पैक करते हैं और इसे जलाते हैं, तो आप हमारे साथ चले जाइए। ये रहा आयल का लंच बॉक्स, हम इसे पैक कर देते हैं। चलते आयल उठाते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप लोग देख सकते हैं कि आयल बेटा जो है मेरा उठ चुका है और इसे हम रेडी कर रहे हैं। कहाँ बेटा बोल रहा है, नहीं जाएगा स्कूल? देखिए आयल बोला स्कूल नहीं जाएंगे। आपके बच्चे बोलते हैं ऐसे? आयल भी मेरा रोज जाता है स्कूल, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। आज आयल को पता है, आज आयल को जल्दी से छुट्टी हो जाएगा क्योंकि आज फ्राइडे है। पहनी प्लीज़, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आहिल के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मेरे लिए ना सही आहिल के लिए ही कर दीजिए ना। नहीं तो आप लोग देख सकते हैं आहिल जो रेडी हो चुका है और जा रहा है स्कूल। तो ये है आहिल का बैग, हम लेके चलते हैं उसे नीचे। चल हाँ पी लीजिएगा, चलिए देते हैं पानी। ठीक है, हम लोग सीढ़ी से उतरना स्टार्ट हो गए हैं और आयल का बैग जो है हम ले लिए और हम चलते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आज हम लोग नाश्ते में क्या बना रहे हैं, आज का क्या मॉर्निंग ब्लॉग है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आहिल को स्कूल छोड़ दिए हैं और आज तो बहुत गुस्सा आया है मेरा बेटा, इंतज़ार करते करते थक गया है, कोई नहीं जल्दी जाता है यार स्कूल छोड़ने, इतने सारे लोग हैं घर में लेकिन जल्दी कोई नहीं जाता है। कब से 10 से 15 मिनट हो गया मेरा बच्चे रेडी होकर बैठा हुआ है और कोई जा ही नहीं रहा। फिर साहिल आया आसिया को छोड़ के, उसके बाद फिर वो गया क्योंकि स्कूल जो है टाइम से जाता है सब तो सही होता है, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, टाइम से जाओ टाइम से अपना हो, ऐसे नहीं होता है। मॉर्निंग के टाइम में तो और ही ज़्यादा, थोड़ा सा वो चल नहीं पाएगा, नहीं तो हम ही उसको वॉक करके टहलते लेके चले जाएंगे, क्योंकि छोटा है ना तो इसलिए थक जाएगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं किचन में और बनाएंगे बीन्स का सब्जी और करेला का सब्जी, तो देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। और आज फ्राइडे भी है तो सब बहुत काम है, सब सफाई होगी, वैसे तो रोज़ होता ही है, हम हाउसवाइफ की रोज़ का तो वही रूटीन है, आपको पता ही है। तो प्लीज़ हमें आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, हमें आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आहिल बहुत रो रहा था, बोल रहा है मम्मी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो, बोले मॉर्निंग में कुछ खाता ही नहीं है, एक बिस्किट कितना मुश्किल से खिलाएं उसको दवा खिलाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि कल उसको उल्टी 2 दिन से हो रहा था तो इसीलिए हमने उसे दवा दिया है। और देखते हैं क्या करते हैं स्कूल में, लोग देख सकते हैं कि करेला सब्जी और ये चिकन है।
चिकन बन रहा है और ये चिकन है। हमारी सब्जी जो है रेडी हो चुकी है और हम बोलने नहीं दे रहे हैं, दाल चढ़ा हुआ है और हम जो तवे से हाथी और हम लगा रहे हैं अब रोटी बनाने। क्या कर रहे हैं हमें ज़रूर बताइए, हम उनसे जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। अभी हम लोग फिर से हैं कि हल्का सा पानी डाल के उसके बाद आए को लंच बनाया। लंच बनाने के बाद हम लोग अपने नाश्ते की तैयारी में लग गए हैं। फ्रेंड्स अब नाश्ते की तैयारी हो चुकी है और सब चीज़ हमने बना दिया और यहाँ पे चाय बॉयल हो रहा है। भाभी बोली हमको पहले चाय पीने हैं तो भाभी के लिए चाय बना रहे हैं और ये कल का दूध है एक जगह हमने करके इसे भी बॉयल कर दे रहा है। ये भुजिया जो हम बना रहे हैं दोपहर के लिए, दाल चावल भुजिया और पापड़ सलाद जो है हम लोग दोपहर के लिए कर दिए हैं। आलू का चोखा भी थोड़ा सा बना दिए हैं हुआ है। इसके बाद भाभी को चाय दे देते हैं फिर हम चलेंगे फ्रेश होने, मतलब ऊपर जाएंगे क्या होगा तो आप लोग बने रहे। चल रहे हैं ऊपर छप्पर की ओर और यहाँ देखिए धूप इतनी है, मरीज लोग यहाँ बाहर बैठा हुआ है, थोड़ा हवा चल रहा है और हम चलते हैं फ्रेश होने नहाने। गर्मी से हालत खराब है, किचन में सिर्फ चावल बनाना है तो अभी नहीं बनाएंगे, एक घंटे के बाद नाश्ते के बाद चावल बनाएंगे क्योंकि चावल गर्म रहेगा। फाइनली फ्रेंड्स फाइनली हम नहा लिए और फ्रेश हो गए और सुबह का मॉर्निंग का जो भी हमारा काम था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है क्योंकि कल हमने कपड़ा जो भी सुखाए थे धोकर उसको सिर्फ फोल्ड करना है तो हम उससे फोल्ड कर लेंगे फिर नाश्ता करने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इधर सारे कपड़े तो हमने सुखाए थे फिर हम जा रहे हैं फोल्ड करने, फोल्ड करने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे और कपड़े जो हैं वो भी लगा दिए हैं धोने के लिए। तो बहुत सारे काम होते हैं यार, समझ में नहीं आता है, कभी कभी तो मन नहीं करता है करने को लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो आप सभी को मेरे तरफ़ से जुमा का दिन है आज बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप लोग क्या कर रहे हैं और सब काम हो जाएगा तो फिर हम लोग बैठ के पढ़ाई करेंगे, ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मी डॉट सगुफ्ता को। प्लीज़ हमें आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपनी फैमिली का एक हिस्सा मुझे भी बनाइए और हमारे फैमिली मेम्बर में आप भी एक हिस्सा बनिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़। तो आप उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़े फोल्ड करने जाती हूँ, यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने। मेरा कपड़ा तो ज़्यादा नहीं है, ये सब कपड़े जो हैं भाभी का, भाभी का बेडशीट है उसका भी कर। आप लोग देखते रहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने सारे कपड़े फोल्ड कर रखा है, ये मेरा और आयु का बस मेरा थाली होता है और ये सारे भाभी के कपड़े हैं तो उनको अपने रूम में रख देते हैं। जा रहे रखें तो आप लोग बना लेंगे
शादी के दिन मैंने कपड़ा रख दिए और मेरे जो कपड़ा धोए थे वो सूख चुका है, तो उसे डाल दिया। सारे कपड़े डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े को डाल दिए हैं, मैं जाती हूँ रूम की ओर। तो ये आ गई अपने रूम में, और रूम में आने के बाद ये सारे कपड़े जो हैं हम अपने रख देते हैं। आगे रिकॉर्ड मेरा क्या करें यार, शूट करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। ये मेरा बेटा का कपड़ा है और ये मेरा कपड़ा है, तो हम रख देते हैं। ये मेरा कपड़ा रखने का जगह है, ये कार्टून में हम भर के रखते हैं, और ये आहिर का कपड़ा रखने का जगह है, इसे हम यहाँ पर डब्बे में रखते हैं। और अभी आहिल आएगा तो फिर वो उसको नहलवाऊंगी, नहाने के बाद क्या पहनेगा अभी निकाल लेती हूँ। ये पहना देती हूँ शर्ट, क्योंकि आज फ्राइडे है, शर्ट पहन लेगा, और ये जीन्स पहन लेगा, और एक अंदर सा कोई पतला सा टी शर्ट डाल लेगा, क्योंकि गंजी पहना दूंगी। उसका सैंडो गंजी ना छोटा हो गया है, तो मंगवाऊंगी, पापा तो चले गए, बस मंगवाएंगे किसी लड़की से। तो ये सारे कपड़े हमने रख दिया है, अब मैं बाल, ये कब से मेरा लगा हुआ है, मुझे सर्दी जैसा लग रहा है, इतनी गर्मी में सर्दी होगा पता नहीं। तो चलते हैं जल्दी से, फटाफट बाल को क्लीन करते हैं और थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं। तो सच में मूड जो है एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, मन ही नहीं करता है कुछ करने का। उसके बाद मैं थोड़ी सी क्रीम लगा लूंगी, बस एक बिंदी लगा लूंगी, फिर फटाफट नीचे चली जाऊंगी नाश्ते के लिए,
क्योंकि अब बहुत तेज भूख लग रही है, टाइम भी हो गया ना। मैं बाद में आऊँगी तो ये नोज़ पिन को निकाल लूँगी। देखिए आप लोग देखिए, काफ़ी हैप्पी लगता है ना, थोड़ा सा नहीं लगता है, क्या करें, किसी की खुशी के लिए पहनना पड़ता है। लेकिन अभी मैं निकाल लूँगी, छोटा वाला पहन लूँगी। देखिए मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा ली, बस मैं रेडी हो गई। कैसे लग रहा है, मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा मोटा था, बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अब मेरा बाल भी है बिल्कुल झड़ गया। तो चलिए फटाफट अपना नाश्ता करते हैं यार, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो आप लोग बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चली नीचे नाश्ता करने के लिए। देखिए ये सेकेंड फ्लोर है, वो हम नहीं दिखाए हैं आप लोगों को, ये हमारे घर की सेकेंड फ्लोर है, काफ़ी अच्छा लुक है। कभी मैं दिखाऊंगी अच्छे से अपने ब्लॉग जो बनाऊंगी ना, ये पूरा हॉल अपने घर का, तो मैं अपने घर का पूरा टूर कराऊंगी आपको, आप ज़रूर देखिएगा। मैं नाश्ता करने, और ये देखिए मेरे नाश्ते में क्या है, दही है, और मैंने करेला का सब्जी बनाया था, और ये बनाई थी बीन्स आलू, मतलब बोरो आलू का सब्जी, बीन्स टाइप का है। तो मैं अब चलती हूँ खाने, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। अभी सब लोग, कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग जग गए, तो सब लोग धीरे धीरे नाश्ते, भाभी भैया आ रहे हैं तो साथ में नाश्ता करेंगे। तो हम सोचे बोले कि चलो, अब तो मेरा तो बेटा भी चला गया है और उसका पापा तो है नहीं, और बाजी लोग भी है, नाश्ता कर चुका है, दवा खाना रहता है अम्मा को, तो साथ में सब लोग नाश्ता लगभग कर ही लिया है, बच्चे लोग भी कर लिए हैं। तो आइए आप लोग भी खाने, बिस्मिल्लाह। और हम लोग ने घर पे दही बनाया है, बहुत अच्छा दही बनता है घर का, घर का दही बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं फिर शेयर करूँगी आपसे कि हम इसके बाद क्या कर रहे हैं। तो मैं फिर से कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मी डॉट सगुफ्ता को, प्लीज़ सगुफ्ता को सपोर्ट कीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप हम दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे से रहिए, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।